सो है दोस्तों, आज आप लोग के लिए है न्यू गैजेट दोस्तों। ये कार का म्यूजिक सिस्टम है दोस्तों, ये कम प्राइस का है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमें क्या क्या मिलने वाली है, किस रेट में मिलती है और दोस्तों इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है दोस्तों, इसका साउंड क्वालिटी कैसा होने वाला है, तो इस वीडियो में आपको मिलने वाली। तो दोस्तों दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि दोस्तों इसमें FM आपको मिल जाती है, MP3 मिल जाती है, USB मिल जाती है, SD कार्ड मिल जाती है, इसमें मिल जाती है वीडियो प्लेयर दोस्तों। दोस्तों इसमें मिल जाती है, साथ में मिलती है दोस्तों एक अच्छा सा डिस्प्ले जो कि डिजिटल डिस्प्ले होता है दोस्तों। FM रेडियो ऑक्स इन भी हमें मिल जाती है दोस्तों। और दोस्तों ये 12 वोल्ट से चलता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम अनबॉक्स करके आपको दिखलाते हैं ये म्यूजिक सिस्टम को। तो दोस्तों दोस्तों इसमें हमें कुछ बहुत सारा इसमें हमें मिलती है दोस्तों। ये रिमोट मिल जाता है और इसमें वायर मिल जाती है दोस्तों कुछ इस टाइप से। और दोस्तों इसमें कुछ क्लिप्स वगैरह मिल जाती है जो कि कार में इसको अच्छे से इंस्टॉल करने के लिए। और साथ में मिलती है मैनुअल पेपर जो मिलती है दोस्तों इसको देखने के लिए, पढ़ने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियो सिस्टम का सारा यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सा वायर में आप इंडिकेट किया गया दोस्तों, कौन कौन सा वायर आपको कहाँ कहाँ पे लगाना है, कौन कौन सा स्पीकर का है, कौन सा मेन AC DC है दोस्तों, सारा चीज बताया गया है। साथ में यहाँ पे दोस्तों ये ऑक्सीजन के लिए, मोबाइल इनपुट के लिए दोस्तों। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक छोटा सा फ्यूज। और दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कितना शानदार सा यहाँ डिस्प्ले। और तो दोस्तों एक ही वैल्यूम के अंदर तीनों वैल्यूम दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे आप मेन वैल्यूम भी है, ट्रेबल भी है, बेस भी है दोस्तों। और दोस्तों इसमें हमें मिल जाती है एक रीसेट का बटन दोस्तों। जैसे कि आप इसको वैल्यूम की आप एक जगह सेट कर सकते हैं, अगर कोई आया तो नहीं इसको किसी और वैल्यूम को किसी और दूसरा सेट करना हो तो आप दोस्तों यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं साउंड को अपने हिसाब से। यहाँ पे मिल जाती है लेफ्ट और राइट नेक्स्ट का की मिल जाती है दोस्तों। दोस्तों इसमें बहुत सारा की दिया हुआ है दोस्तों, सबका अलग अलग फंक्शन है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये जो म्यूजिक सिस्टम है दोस्तों इसका बहुत सारा इसमें फंक्शन रहता है। तो दोस्तों इसमें मिल जाती है डबल USB हब मिल जाती है दोस्तों, यहाँ से आप फोन चार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक माइक लगाया हुआ है दोस्तों, जैसे कि आप कार चला रहे हैं दोस्तों अचानक कॉल आ जाता है तो आप यहाँ से प्रेस करके दोस्तों यहाँ पे कॉल उठा करके दोस्तों आप बात कर सकते हैं बिना फोन दोस्तों। चूंकि इसमें माइक लगा हुआ है और डिस्प्ले है दोस्तों काफी बेहतरीन और काफी बढ़िया चीज़ है दोस्तों। अगर इसका प्राइस की बात करें दोस्तों तो 1000 से 1200 रुपये में दोस्तों ये मिल जाती है दोस्तों। ये सोनी का कार्बन कॉपी है दोस्तों, एकदम सोनी का कॉपी है। तो जो सोनी में है दोस्तों फंक्शन सारा, इसमें भी वही फंक्शन है, क्वालिटी भी वही है दोस्तों, IC भी वही लगा हुआ है और साउंड क्वालिटी भी दोस्तों वही उसी का जैसा है दोस्तों। तो हमने दोस्तों इसको कुछ पर्सनली दोस्तों इसको मैं देखा है, यूज किया है, यूज करके हमने देखा दोस्तों। इसका कनेक्शन आपको समझा देते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे कैसा रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये आपको बता दें, ये जो नीचे वाला जो दोस्तों ये पूरा स्पीकर का है और ऊपर में दोस्तों ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है ये ब्लैक वाला है दोस्तों, ये माइनस का होता है। और ये पीला वाला है और दोस्तों रेड वाला है, ये दोस्तों मेन होता है। और जो पीला वाला है दोस्तों ये फ्यूज में डाला हुआ रहता है दोस्तों। तो जब भी आप इसको चलाइएगा दोस्तों तो दोनों आपको इस तरह से करना पड़ेगा तभी ये ऑन होगा, सिर्फ आप रेड को जोड़ने से ये नहीं हो पाएगा दोस्तों। ये FM का रहता है और यहाँ पे रेड और जो येल्लो है दोस्तों, ये पीला वाला और लाल वाला दोस्तों एक होता है, और ये जो काला वाला है दोस्तों वो अलग होता है। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये प्लस हो गया दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। और दोस्तों ये जो ये जो सारा ये रहता है जो ये देख सकते हैं, ये ग्रीन है, वाइट है, ग्रे है दोस्तों, ये पूरा जो है स्पीकर का है ये दोस्तों, इसमें पूरा स्पीकर आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा ये म्यूजिक सिस्टम का, आई होप आप लोग समझ गए हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, इस तरह का हम वीडियो अब हमेशा अपलोड करते ही रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।